नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, श्राद्ध और तर्पण से पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। पुरानी मान्यता है कि घर परिवार के मृत सदस्य को ही पितर देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में पुण्य कर्म किए जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान पितर पक्ष में रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म या फिर तर्पण करते समय चांदी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। पितरों को अर्घ देने के लिए, पिंड दान करने के लिए और ब्राह्मणों के भोजन के लिए चांदी के बर्तन श्रेष्ठ माने गए हैं। अगर चांदी के बर्तन नहीं है तो कांसे या फिर तांबे के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो पत्तल पर खाना खिला सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए गाय का दूध या फिर गाय के दूध से बने घी दही का उपयोग करना चाहिए। पितरों को धूप देते समय व्यक्ति को सीधे जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी या फिर कुश के आसन पर बैठकर ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों लोगों को भोजन कराते समय ये नहीं पूछना चाहिए कि खाना कैसा बना है। ब्राह्मणों को शांति से भोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि खाते समय जब तक ब्राह्मण मौन रहते हैं तब तक ही पितर देवता भी भोजन ग्रहण करते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दान लेने के लिए घर आता है तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। उन्हें खाना या फिर धन कुछ भी दान अवश्य करना चाहिए जो आपके सामर्थ्य में हो। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद धन का दान करें, यानी कि उन्हें दक्षिणा दें तथा पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें विदा करना चाहिए। पितृपक्ष में क्लेश नहीं करना चाहिए। पति पत्नी और परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम से रहना चाहिए। जिन घरों में अशांति होती है वहाँ पर पितरों की कृपा नहीं होती। अलावा जब तक ब्राह्मण जीम रहे हों यानी कि भोजन कर रहे हों उस समय श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय यानी कि 7वां अध्याय का पाठ करें, सुने अथवा किसी से करवाएं। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और उन्हें बैकुंठ का वास मिलता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।